year 2022. तो कैसे हैं आप सब? आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लंबा रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि आज मैं वो करने वाला हूँ जिसे मैंने आज तक कभी नहीं करा है। तो चलिए करते हैं। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं हूं एस्ट्रो इंडसवर्स, ये कोई मेरा नाम नहीं है। तो चलिए छोड़े, वैसे इस शो में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ है, आ जाओ, छुपो मत, अब आ जाओ, अबे आ जाओ। तो मेरे साथ है मेरी बाबी। हम दोनों मिलके आज करने वाले हैं ISS को कैप्चर। तो मेरे पास कोई हाई एंड इक्विपमेंट्स नहीं है, आपने मेरे इक्विपमेंट्स देखे हैं, लेकिन मैं ISS को कैप्चर करने के लिए कब से सोच रहा हूँ। वैसे ये आइडिया तो मेरे दिमाग में कल ही आया था। तो जो भी हो, तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ISS को कैसे कैप्चर करा जाता है, इसमें क्या चैलेंजेस है, मैं क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाला हूँ इसको, और प्रोसेसिंग का दिखाऊंगा, इमेज कैसी बनेगी, शुरू से लेकर अंत तक मैं सब दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ और बनिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप ISS कैप्चर करने के लिए क्या करना चाहेंगे? जाहिर बात है, आप सबसे पहले अपने इक्विपमेंट्स देखेंगे कि आपके पास क्या है। तो मेरे पास इस वक्त 2 टेलीस्कोप हैं और 3 कैमरे हैं, और इनमें से हमें सही इक्विपमेंट्स को चुनना होगा ताकि हम ISS को कैप्चर कर सकें। तो मैं पहले किसको चुनना चाहूँगा, आपको क्या लगता है? तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, तो क्यों ना अपनी शुरुआत छोटे से करूँ। तो मैं चुनता हूँ अपने 70mm टेलीस्कोप को। हालाँकि हमारे पास एक बड़ा वाला टेलीस्कोप भी है जो 130mm का है, लेकिन मैं सोचता हूँ उसका इस्तेमाल ना करूँ फ़िलहाल के लिए, और मैं इस्तेमाल करूँगा सिंपल सा सेटअप। और पहले सोचा कि हम अपने नए ZOBO कैमरे का इस्तेमाल करूँ, लेकिन फिर लगता है नहीं, हम कुछ सिंपल करते हैं। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं इस्तेमाल करूँगा अपने DSLR को, और DSLR ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता। ये काम आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, फ़ोन से थोड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन मैं चुनता हूँ DSLR को इस वीडियो में। तो सीधी बात, मैं ISS को कैप्चर करूंगा अपने 2 इक्विपमेंट से, ओनली 2, वो है अपना SMS माउंट 70mm टेलीस्कोप और अपना DSLR, और मेरे पास है 200D Mark II, जो कि आपके पास भी है। ओके, अब हम इक्विपमेंट चुनने के बाद अपने DSLR को टेलीस्कोप से अटैच करेंगे। मेरा 70mm का टेलीस्कोप काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसलिए मैं 2x बार्लो का इस्तेमाल करूँगा, इससे टेलीस्कोप की पावर थोड़ी बढ़ जाएगी। अब हम DSLR को लेंगे, उस पर पहले टी रिंग अटैच करेंगे। यह टी रिंग आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगी, लेकिन आपको अपना साइज याद रखना होगा। ओके, यह इसमें लग गई है। अब हम इसमें डायरेक्ट 2x बार्लो लगा देंगे। नाइस, अब ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं इसे अपने टेलीस्कोप से अटैच करने जा रहा हूँ। यह हो गया, मैंने इसे अच्छे से कस दिया। और एक और बात याद रखना, DSLR का वजन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए फोकसर थोड़ा लूज है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आप फोकसर के नीचे दिए गए 2 स्क्रू को अच्छे से कस दें। अच्छे से टाइट करने के बाद इसे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ओके, तो हमने अपने गियर को तैयार कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ISS को कैप्चर करने से पहले कुछ प्लानिंग कर लेते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए ये करने से पहले, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है अगर ISS गुजरता है। तो ISS की ऑर्बिट की बात करें जाए तो वो एक लो अर्थ ऑर्बिट में है और हर 60 मिनट में अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करता है, और मैंने हर बार उसे आसमान में देखा है, कई बार देखा है, लेकिन कभी कैप्चर करने की मैंने कोशिश नहीं करी है। हालांकि मैंने ऐसा फ़ोन से करा भी है, लेकिन कभी मैंने टेलीस्कोप से ट्राई नहीं करा है, और ऐसा क्यों ट्राई नहीं करा है? और इसकी वजह यह है कि वो काफ़ी तेज़ी से मूव करता है, उसकी रफ्तार बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा साइन करता है, लेकिन साइन के साथ वो रफ्तार उसकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो कल ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और फिर मैंने सोचा चलो ISS को कैप्चर करते हैं, और इसलिए मैंने कई यूट्यूब देखा कि ISS को कैप्चर कैसे करा जाता है। तो कई लोगों ने तो ऐसी कैप्चर कर लिया और कई लोगों ने तो काफ़ी कमाल का वीडियो बनाया, और उनमें से सबसे अच्छी वीडियो मुझे लगी वो है ये वाली। इसमें आप पूरा ISS का टाइम फ्रेम देख सकते हैं, इसमें मैं सारी डिटेल ISS की देख सकता हूँ, यहाँ तक तो हम क्रू ड्रैगन को भी देख सकते हैं, जो कि कमाल की बात है।
तो ISS की जिस तरह से ऑर्बिट है, अगर आपने अपने टेलीस्कोप को पोलर अलाइंट कर भी लिया लेकिन आप ISS को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ISS की ऑर्बिट ऐसी नहीं है कि आप पोलर अलाइंट के वक्त उसे परफेक्टली ट्रैक कर पाएँ, आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते। हालांकि अगर आपके पास गो टू माउंट हो और कई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप ऐसे अपने माउंट को प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो ISS को ट्रैक करे, क्योंकि हर घूमती हुई चीज़ की अपनी एक्सेस होती है और ISS की एक्सेस भी होगी। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, फिलहाल हमारे पास एक गो टू माउंट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भी है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो एक मिनट, आप बुर्क वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बता कि ISS को ढूंढते कैसे हैं। ओके, तो बाबी ने अच्छा सवाल करा है, हमने ISS के बारे में काफ़ी कुछ जाना है और काफ़ी कुछ जान लिया है, और सबसे मेन सवाल तो यही है कि ISS को हम ढूंढें कैसे। हाँ, मैंने ISS को कई बार देखा है, तो कई बार तो मैंने इसे खुद ढूंढा है और कई बार तो मुझे वो इत्तेफाक से ही दिखा है। तो कैसे ढूंढें ISS को, तो ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होगा, दोनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इजीली एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ISS की लाइव लोकेशन का पता लगा सकते हैं। उनकी एक्यूरेसी इतनी तो अच्छी नहीं होती, लेकिन वो इतना आपको बता देते हैं कि ISS आने वाला है। तो पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं इस्तेमाल करता हूँ स्टेलरियम सॉफ्टवेयर का, लेकिन वो PC के लिए है, और अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ StarVault 2, और ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इतनी तो अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी एक्यूरेसी। तो इस एप्लीकेशन को आप ओपन करिए और सर्च में लिखिए ISS, और उसके बाद आप ISS को देख सकते हैं, वो हमारे ठीक यहाँ पर है इस वक्त। इसके बाद आपको अगली बात का ध्यान रखना है कि ISS कई बार गुजरता है आपके आसमान से, क्योंकि वो 90 मिनट में अपनी एक ऑर्बिट को कंप्लीट करता है। तो ऐसा हर बार नहीं कि वो आपके आसमान से हर बार होकर गुजरेगा, अगर ISS गुजरता भी है तो आपको सही वक्त मालूम होना चाहिए कि आपको कब ऑब्जर्व करना है ISS को। मेरे कहने का मतलब क्या है, आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ISS आपके आसमान से कई बार गुजरता है, डे टाइम में तो उसे देखने का सवाल ही नहीं उठता, और रात को आप उसे रात को भी नहीं देख पाएंगे। एग्जाम्पल में अगर आप उसे रात को ऑब्जर्व करने जाएंगे, रात या मिडनाइट को, तो भी आप उसे नहीं देख पाएंगे। वो आपके आसमान के ऊपर से गुजरेगा तो, लेकिन आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त उस पर सन की रोशनी नहीं पड़ रही होगी, इसलिए आप उसे देख नहीं पाएंगे। यह सुनने के बाद तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, अगर वो हमें रात को नहीं दिखेगा तो आखिर वो हमें दिखेगा कब? आप चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूँ ISS आपको कब दिखेगा। ISS को ऑब्जर्व करने के लिए एक दिन में आपको दो मौका मिलता है, यानी दो विंडोज। दिन की पहली विंडोज आती है सनराइज होने से पहले, यानी एकदम सुबह सुबह। इस विंडो में होता ऐसा है कि आपका आसमान में एकदम अंधेरा होता है, लेकिन ISS इतना ऊपर होता है कि वो आपको दिख सकता है। इसी प्रकार दूसरी विंडो आती है सनसेट होने के बाद, यानी इवनिंग। इस विंडो में आपके आसमान में अंधेरा होता है और ISS अगर ऊपर से गुजरता है तो वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। सो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि दोनों टाइमिंग मैच हो जाए, ISS की भी और आपकी विंडो की भी, और ये दोनों विंडो मैच होने के बाद तभी आप ISS को देख पाएंगे। तो यह तो सिर्फ कुछ बातें पता चली हैं अभी, और अब वक्त है कैप्चरिंग का, लेकिन कैप्चरिंग के दौरान कितनी सारी मुसीबतें आती हैं वो अब आप देखने वाले हैं। तो चलिए ISS को कैप्चर करते हैं। तो चलो छत पे, अभी तो शाम हो रही है, अभी ये नहीं जा सकते। ओके, तो काफ़ी वक्त हो गया है, मैं अपने टेलीस्कोप को देखा नहीं है। ओह, ये रहे दोनों, कितने अच्छे लग रहे हैं। वेट, थोड़ा सिनेमैटिक शॉट आना चाहिए, मुझे फिर से जाना होगा। हेलो, मैं आ गया। इस पर्दे के नीचे तो मेरा बड़ा टेलीस्कोप है, मुझे चाहिए अपना छोटा वाला टेलीस्कोप, और अब मैं इसे बाहर निकालने जा रहा हूँ। सफ़ेद सफ़ेद टेलीस्कोप सफ़ेद सफ़ेद धूप में। यह क्या चीज है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे स्कूल जाते हो या नहीं जाते? ओह बेचारे बच्चे, कितने मासूम हैं। चलिए कोई नहीं, हम टेलीस्कोप पे फोकस करते हैं। ISS को कैप्चर करने के लिए मैं अपने टेलीस्कोप को तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये पक्का करना चाहता हूँ कि मेरा टेलीस्कोप अच्छे से मूव हो रहा हो, एकदम स्मूथ, क्योंकि वो रुकना नहीं चाहिए बीच में। इसलिए मैं टेलीस्कोप में ग्रीस लगा रहा हूँ, ये एल्टीट्यूड रॉड है, मैं यहाँ पर ग्रीस लगा रहा हूँ। और याद रखना, मैं अपने टेलीस्कोप को लॉक नहीं रखूंगा, वो फ्रीली मूव हो पाएगा। और मैंने थोड़ा ग्रीस यहाँ पर भी लगा दिया, ये एजिमथ एक्सिस पर, ताकि ये मूव हो सके। अब ये दोनों परफेक्ट है, एकदम स्मूथ, मक्खन की तरह हाथ फिसल रहा है। ओके, तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने फाइंडर स्कोप को परफेक्टली अलाइन कर लें।
और अलाइनमेंट से मेरा मतलब जितना हो सके उतना अच्छा अलाइनमेंट करना, एकदम परफेक्ट वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस होल से हम ISS को देखेंगे उस होल पे तो कैमरा लगा रहेगा जो ISS को कैप्चर करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है फाइंडर स्कोप, फाइंडर स्कोप के अंदर आपको एक क्रॉस नजर आ रहा होगा। हमें कोशिश ये करनी है कि मैं ISS को क्रॉस के बीच में बनाए रखूं, क्योंकि आपको पता है जो मेरा कैमरा दिखेगा वही मेरा फाइंडर स्कोप दिखेगा, जो फाइंडर स्कोप दिखेगा वो मेरा कैमरा दिखेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये काम कितना मुश्किल है। हमें ISS को बीच में बनाए रखना है इस क्रॉस के, और वो एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट है तो ये काम थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ। एक एरोप्लेन गुजर रहा है, सोच रहा है उस पर टारगेट करता हूँ। ओके, तो मैं काफ़ी अच्छा जा रहा हूँ। नाइस। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा। ये काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, उसे बीच में बनाए रखना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, अब तक हमने फाइंडर स्कोप को अलाइन कर लिया है और टारगेटिंग की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं फोकसिंग की। तो जिन्होंने भी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करा है उन्हें पता है कि ऑब्जेक्ट पर फोकस करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। उल्टा हम बात कर रहे हैं एक चलते ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करना। फोकस करना वैसे ही मुश्किल था, और ऊपर से वो ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो भाई भूल ही जाओ, इम्पॉसिबल लगता है। और इतना ही नहीं, एक और प्रॉब्लम है। जब ISS गुजर रहा होगा तो मैं अपने फाइंडर स्कोप में देख रहा होगा, क्योंकि मैं उसे फाइंडर स्कोप में देख कर ही तो पॉइंट करूँगा और ट्रैक करूँगा। इसलिए मैं अपने फाइंडर स्कोप से नज़र नहीं हटा पाऊँगा, और फोकस करना भी ज़रूरी है, तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं अपने एक हाथ से दो काम कर रहा हूँ, एक ही हाथ से खाना खाना और दूसरे हाथ से कोई दूसरा काम। वैसे ये तो बस एक एग्जाम्पल है। फिलहाल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप अपने टेलीस्कोप को पहले से ही फोकस रखिए। जी हाँ, ऐसा करना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि आपको पता है कि ISS हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए वो भी इन्फिनिटी फोकस में आता है। यानी आपको अपने टेलीस्कोप को इन्फिनिटी फोकस पर सेट करना है। और ये आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको स्टार को देखना है। आपको बस अपने टेलीस्कोप से स्टार को देखना है और फोकस करना है। फोकस होने के बाद आपको अपने फोकसर को बिल्कुल नहीं छेड़ना। ओके, तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। रुकिए, यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी कि स्टार को कैसे फोकस करें। स्टार को फोकस करना भी आसान नहीं होता। हम आंखों देखे द्वारा फोकस से काम चला लेते, लेकिन इस बार हमें ISS को कैप्चर करना है, इसलिए हमें फोकसिंग में काफ़ी एक्यूरेसी चाहिए। थोड़ा सा भी एरर ISS के लिए बहुत बड़ा एरर होगा। इसलिए स्टार को फोकस करने के लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और वो ये रहा। इसे कहते हैं फोकसिंग मास। यह वो चीज़ है जिसकी मदद से आप एकदम परफेक्ट फोकस कर पाएंगे। आपको बस इसे अपने टेलीस्कोप के आगे लगाना है और किसी भी स्टार को देखना है। इससे आपको स्टार कुछ ऐसा दिखेगा। आपको कई सारी स्पाइक्स दिख रही होंगी, आपको इन स्पाइक्स को सिमेट्रिकल करना है, एकदम बराबर बराबर। यह देखिए, ये परफेक्ट फोकस हो गया। अब आप इसे बिल्कुल मत छेड़ना। अगर हम इससे ISS को भी देखेंगे तो वो बिल्कुल फोकस में रहेगा। ओके, अब हम उस स्टेज पर हैं जहाँ हमारी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। अब हमें कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जैसे कि कैमरा सेटिंग। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अगर ये गलत हुई तो आप ISS को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। आइए इसे सेट करते हैं। मेरा क्रॉप सेंसर है, और अगर आपका फुल फ्रेम है तो आपकी सेटिंग्स थोड़ी अलग होने वाली है। सबसे पहले हम फुल कंट्रोल के लिए कैमरे को मैनुअल मोड पर सेट करेंगे, और उसके बाद आप अपने कैमरे को वीडियो मोड पर सेट कीजिए, और उसके बाद हम रेजोल्यूशन सेट करते हैं। उसके लिए हमें मेन मेन्यू में जाना होगा, और ये रहा रेजोल्यूशन। इसे मैं 4K पे सेट कर रहा हूँ। 4K पर सेट करने पे मुझे 25 फ्रेम पर सेकंड्स मिल रहे हैं। अगर आपका कैमरा बहुत ज़्यादा महंगा है तो आप 30 फ्रेम्स ले पाएंगे। ओके, अब हम ISO सेट करेंगे। ISO एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करती है। आपके लिए ISO अलग होगा और मेरे लिए ISO अलग हो सकता है, इसलिए मैं अपनी कंडीशन को देखते हुए मैं ISO को 1600 पर सेट कर रहा हूँ। ओके, ISO सेट हो गया है। अब हम FRAC को सेट करेंगे। FRAC को मैं कहूँगा जितना कम हो सके उतना सेट करना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जितना हो सके उतनी लाइट की ज़रूरत है। ओके, तो ये भी हो गया है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग को सेट करने वाले हैं, जिसका नाम है शटर स्पीड। अगर ये ज़्यादा हुआ तो आप कुछ ज़्यादा ही देख लेंगे, अगर ये कम हुआ तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ISS को कैप्चर करने के लिए हमें ज़रूरत है हाई शटर स्पीड की, लेकिन इतना भी हाई नहीं कि हम कुछ ना देख पाए। इसलिए मैंने शटर स्पीड को 1000 पर सेट करा है अपने कैमरा के मुताबिक। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे कैमरे में ब्लैक स्क्रीन आ गई है, लेकिन जिस एरिया पे मैं लाइट मारता हूँ वो एरिया हमें साफ नज़र आता है। आप देख सकते हैं ना कि वो ज़्यादा ओवर एक्सपोज है ना ही अंडर एक्सपोज। फाइनली हमारे कैमरे की सेटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैंने इन सेटिंग्स को कमरे में सेट करा है,
और इन्हीं सेम सेटिंग्स को मैंने छत पर भी सेट कर रखा है अपने टेलीस्कोप में। जब आप इन सेटिंग्स को सेट कर रहे होंगे तब आपका कैमरा आपके टेलीस्कोप में होना चाहिए और किसी भी स्टार की तरफ पॉइंट होना चाहिए। तब आप इन सेटिंग को सेट करिए और फिर आप कंफर्टेबल फील करेंगे। आप इन्हें कमरे में सेट मत करना, आप टेलीस्कोप पर लगा कर सेट करना। ओके, अब फाइनली इतनी सारी मेहनत के बाद, इतनी सारी नॉलेज गेन करने के बाद अब हम तैयार हैं ISS को कैप्चर करने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भारत में ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बनाई है। इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब बनता है। ओके, तो मैंने अपने टेलीस्कोप को तैयार कर लिया है और आसमान की बात कराया जाए तो थोड़े बादल हैं, इनसे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल अभी ISS को 7 बजे गुजरना है, यानी वो बस आने ही वाला है। ओके, थोड़ा वेट और 1, 2, 3, अब वो हमारे होराइजन पे हैं, लेकिन मैं उसे अभी नहीं देख सकता क्योंकि मेरे आसपास थोड़े घर हैं, उसे थोड़ा और ऊपर आना होगा। ओके, मैं अब उसे ढूंढना शुरू कर रहा हूँ। इस वक्त मैं उसी डायरेक्शन में देख रहा हूँ जहाँ से वो आने वाला है। कहाँ पर है अभी तक नहीं दिखा। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मुझे 1 मिनट से ज़्यादा हो गया है। इसी प्रकार मैं ढूंढता गया और अपनी एप्लीकेशन में देखा तो वो जाने ही वाला है और मैं अपनी उम्मीद खो बैठा था। मुझे लग रहा है कि वो हमें नहीं दिखेगा, शायद एप्लीकेशन की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं हार मानने ही वाला था। अचानक से मैं उसे अपने ठीक ऊपर देखता हूँ और फिर मैं अपने काम में लग जाता हूँ। इस जल्दबाजी में मैं आपको दिखा नहीं पाया ISS, लेकिन कोई नहीं, मैं अपने टेलीस्कोप से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम ये है कि मेरे फाइंडर स्कोप में मुझे सब कुछ उल्टा दिख रहा है, जिसके कारण ऊपर करने के बजाय मैं नीचे कर रहा हूँ और दाएं करने की जगह मैं बाएं कर दे रहा हूँ। लेकिन कोई नहीं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ इसे कैप्चर करने के लिए। हमें सबसे बेस्ट शॉट तभी मिलते हैं जब ISS एकदम हमारे ऊपर होता है, क्योंकि उस वक्त एटमॉस्फेयर बीच में इतना नहीं होता। ओके, अब वो हमसे काफ़ी दूर है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा है और अब मुझे लगता है कैप्चर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो काफ़ी नीचे आ चुका है, काफ़ी दूर, इसलिए अब मैं उसे अपनी आंखों से देखना पसंद करूंगा। वैसे तब भी मैं ISS को देखता हूं तो मुझे काफ़ी जलन होती है उनसे जो इनके अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन खैर छोड़ो, कोई नहीं, हमें अपना बेस्ट शॉट मिल चुका है। ओके, फिलहाल मैं इमेज देखने के लिए काफ़ी एक्साइटिंग हूं। मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अपने सबसे छोटे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करा है। ISS को कैप्चर करने के लिए लोग अपना सबसे बड़ा टेलीस्कोप निकालते हैं, लेकिन मैंने इसका ठीक उल्टा करा है, वो भी सिर्फ आपके लिए। और एक और फैक्टर है, मैंने ये अटेम्प्ट पहली बार करा है, यानी इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं करा ISS को कैप्चर करने के लिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, जी हाँ, फर्स्ट टाइम सच में। जो भी हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या कैप्चर करा है, तैयार हो जाइए। सो अभी आप देख रहे हैं कि एक कीड़ा आ रहा है, जा रहा है आपके फ्रेम से। ये कीड़ा नहीं है, ये ISS है। यह देखने के बाद मुझसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती करी है। हमने जो शटर स्पीड सेट करी थी, हमें उससे थोड़ा और हाई सेट करना चाहिए था। और मेरी दूसरी गलती यह है कि मैंने रेड डॉट फाइंडर स्कोप का इस्तेमाल नहीं करा। अगर मैं उसका इस्तेमाल करता तो मुझे पॉइंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब बहुत देर हो गई है, कोई नहीं, हम इसमें से सबसे बेस्ट फ्रेम को ढूंढ के निकालेंगे। इसके लिए मुझे पूरे वीडियो का हर एक फ्रेम चेक करना होगा। ओके, तो मैंने पूरी वीडियो को एनालिसिस करा। पूरी वीडियो में से हमें सिर्फ 2 फ्रेम मिले जो मेरे काम के हैं, बाकी सब कचरा है। अब मैं उन 2 इमेज को फोटोशॉप में एडिटिंग करूंगा, बेसिक वाली। ओके, तो अब जाके फाइनल इमेज हमारी तैयार है फोटोशॉप में एडिटिंग करने के बाद। यह देखिए ISS की इमेज, जिसे मैंने 70mm के टेलीस्कोप से ली है। ओके, तो मुझे नहीं पता आप कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे। आप शायद इस कह रहे होंगे कि ये फालतू इमेज है, या कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे होंगे। लेकिन कुछ भी कहने से पहले थोड़ा रुकिए और समझिए।
फिलहाल के लिए आप सिर्फ इमेज देखिए, ये है दूसरी वाली इमेज। यह वाली इमेज पहली वाली इमेज से थोड़ी बेहतर है, इसमें आप समझ सकते हैं ISS का एंगल। ओके, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इससे पहले आप मेरे वीडियो को छोड़ के जाएं और कभी लौट के ना आए। कुछ भी कहने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए, यहाँ पर आप दो ISS की इमेज देख सकते हैं। ये वाली इमेज मैंने ली है और ये वाली इमेज एस्ट्रो बैकयार्ड ने ली है, जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। यह इमेज उन्होंने तब ली थी तब उन्होंने पहली बार ISS को कैप्चर करा था, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जाहिर बात है ये इमेज मेरी इमेज से तो थोड़ी बेहतर है, और होनी भी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपना सबसे बड़ा टेलीस्कोप इस्तेमाल करा था। इन्होंने जिस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करा था उसका नाम सेलेस्ट्रॉन HD11 है, जिसकी कॉस्ट $4,000 है और इसका अपर्चर 280mm का है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और उसी तरह मेरा टेलीस्कोप $150 का और 70mm का अपर्चर। सो वैसे मैं आपको क्यों कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ISS को कैप्चर करना इतना आसान नहीं होता। आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये इमेज एक्सपेक्ट करी होगी कि मैं अपने टेलीस्कोप से कुछ ऐसा कैप्चर करके दिखाऊंगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट निकली। यही कारण है कि मैंने आपको इमेज का कंपैरिजन दिखाया, ताकि आप समझ सकें कि ये काम सच में मुश्किल है। तो ISS की ऐसी इमेज लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ मतलब सिर्फ 50% खुश हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी गलती करी इसे मैं इसको कैप्चर करते वक्त। तो जो भी हो, मैं ISS को एक और बार फिर कैप्चर करूँगा 70mm के टेलीस्कोप से और अपने बड़े वाले टेलीस्कोप से भी। और फिलहाल के लिए जो भी हो, हम चेस, ये वक्त है सेलिब्रेशन का, तो आइए सेलिब्रेशन करते हैं। चेस। मजा आ गया। अरे तुमने बोला तो मैं तुम्हारे वीडियो का हिस्सा हूँ, पर मुझे तो दिखाया नहीं गया एक बार भी। माफ करना भाभी। अच्छा तो ड्रिंक तो पिला दो। माफ करना भाभी, पर ड्रिंक तो खत्म हो चुकी है अब। वैसे भी तुम इसके हकदार नहीं हो, क्योंकि सारा काम तो मैंने करा है ना, तुम तो सिर्फ बैठी ही रहती हो। और मेरी यही राय है कि तुम बैठे ही रहो अभी भी। चलो बस फोटो यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो, मैं कभी बात नहीं करूंगी, मैं वीडियो में भी काम करना बंद कर दूंगी, उसके पैसे लूंगी, मैं फ्री में और काम नहीं करूंगी।